हेलो गाइस, तो फाइनली ऑप्ट आउट का ऑप्शन इज ऑलरेडी ओपन। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स के बहुत सारे कुछ ना कुछ डाउट्स है। तो मैंने सोचा कि आई थिंक अभी भी आधे लोग ऐसे डायलेमा में है, कंफ्यूजन में है कि ऑप्ट आउट करना है कि नहीं करना है। तो लेट मी टेल यू गाइस, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस एक्चुअली कि आपको करना है कि नहीं। एंड देन टेक्निकलिटीज की अगर बात करें कि सर क्या हम लोग कर सकते हैं इवन इफ कोविड का इश्यूज नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले। तो आई हैव ऑलरेडी एक्चुअली मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आप वहाँ पे एक्चुअली थ्री रीजंस है बिकॉज ऑफ विच आप ऑप्ट आउट तो प्रॉपरली ऑफिशियली कर ही सकते हो। मतलब कोविड आपको खुद को है या फिर सिम्टम्स है, आपके फैमिली मेंबर को है, या फिर आपके रेसिडेंस में कंटेनमेंट जोन में आ चुका है। तो एनी ऑफ दीज ऑप्शन वहाँ पे होने वाला है। बट थिंग इज, अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो इट इज़ बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन। मतलब कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और अगर इवन आप पॉइंट नंबर ए में देखोगे, जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था उनका सर्कुलर, तो वहाँ पॉइंट नंबर ए में लिखा था कि यू आर राइट नाउ हैविंग कोविड अदरवाइज सिम्टम्स ऑफ कोविड। ओके, तो वो भी एक पॉइंट है। अभी ये जो नोटिफिकेशन है उसका बहुत सारे स्टूडेंट्स भले कोविड है या नहीं है उसका फिर भी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ क्वाइट ओपन। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस बच्चों कैसे उसको यूटिलाइज करना है। बट अभी जितने भी लोगों से, मैंने बहुत लोगों से बात की है रिसेंटली एंड जिनकी तैयारी नहीं हुई है। ओके, एंड जेन्युइनली दूसरा चीज़ें भी हैं, मेडिकल इशूज़ भी है। ओके, मेडिकल इशूज़ अराउंड एंड सराउंडिंग कोविड, ये एक बात है। एंड सेकेंडली अनदर सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो उनको कोई दूसरे प्रॉब्लम है, लाइक मान लो कि तैयारी नहीं हुई है या फिर दे आर नॉट फुल्ली 100% कॉन्फिडेंट, तो ऐसे स्टूडेंट्स भी अभी ऑप्ट आउट का सोच रहे हैं। एंड अगर मैं देखूँ बच्चों द प्रोसेस हाउ इट इज गिवन, तो आई थिंक येस, तो आप लोग ऑप्ट आउट कर सकते हो क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको बस सेल्फ डिक्लेरेशन करना है और आपको अपलोड करना है। वही मैं एक्चुअली इनफैक्ट आपको वो वॉक थ्रू आज प्रोसेस में आपको करवाने वाला हूँ। आई विल शो यू हाउ टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द एग्जाम्स। तो आपको दिखेगा बच्चों 7 नवंबर से तो चालू हो चुका है अभी है, ऑब्वियसली आपका ऑप्ट आउट का ऑप्शन विल गो अंटिल 14 दिसंबर तक। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, अप टू द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम्स, लास्ट डे ऑफ एग्जाम्स तक। तो प्लीज कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करो बच्चों। सीए फाइनल, इंटर एंड फाउंडेशन के सभी एग्जाम्स एक ही दिन से शुरू भी नहीं हो रहे हैं और एक ही दिन पे खत्म भी नहीं हो रहे हैं। मुझे, चलो मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ पहले। सम फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैड आस्क्ड मी कि सर हमने चारों पेपर देने के बाद, फाउंडेशन ओके, चारों पेपर देने के बाद अगर पेपर अच्छे से नहीं गए, क्योंकि 14 को लास्ट पेपर है, तो लास्ट पेपर देने के बाद अगर हमने ऑप्ट आउट किया तो क्या होगा। मेरे भाई थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो कि लास्ट टाइम उन्होंने क्लियर कट कर कह दिया था कि आप पूरे जितना भी आपके सेट ऑफ एग्जाम्स है, जितने भी पेपर्स है, वो अगर आपने कम्प्लीटली दे दिए तो फिर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिंग आउट बाद में, या फिर वही दिन पे आप करते हो। तो अगर 14 दिसंबर तक है, रात के 12 बजे तक भी अगर पोर्टल चालू है, फिर भी कॉमन सेंस यूज करो बच्चों। आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दी है 14 को, जो लास्ट पेपर आपका पेपर 4, राइट? तो उसके बाद कुछ ऑप्टेड का ऑप्शन नहीं है। तो आपको मान लो मैक्सिमम थर्ड पेपर तक आप डिसाइड कर पाओगे, पेपर 3 मैथ्स तक, कि आपको ऑप्ट आउट करना है कि नहीं है। तो अगर फाउंडेशन वाले बच्चों को अगर ऑप्ट आउट करना है बच्चों, यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क कि भाई क्या होगा क्या नहीं, तो मैक्सिमम 3 पेपर तक आप देख सकते हो, उसके अलावा नहीं। ओके, ऑब्वियसली दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। एंड तो अगर आपने 4 पेपर दे दिए तो ऑप्ट आउट तो होगा ही नहीं। और प्लीज दिस इज नॉट कॉमन फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आपने ऑप्ट आउट का ऑप्शन अभी भी जब भी है राइट नाउ या फिर ड्यूरिंग एग्जाम्स आपने दिया, तो आपके पेपर चेक ही नहीं होने वाला, आपका रिजल्ट ही नहीं आने वाला, ठीक है। देन आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इंटरमीडिएट बच्चों, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। मैंने लास्ट टाइम क्लियर कर चुका था कि आपके 4 पेपर्स का एक ग्रुप बनता है, दिस ऑब्वियसली यू नो दैट। तो अगर आपने 4 पेपर दे दिए, उसका रिजल्ट प्रोसेस हो जाएगा। 4 पेपर दे दिए और फिर ऑप्ट आउट किया, तो 4 पेपर का रिजल्ट वो आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अगर 4 पेपर के पहले ही आपने ऑप्ट आउट कर दिया, एक ही पेपर दिया, 2 दिया 3 दिया और ऑप्ट आउट किया, तो ग्रुप 1 का भी रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ओके, सिमिलरली आपने 4 पेपर, आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल ऑफ दिस, बट 4 पेपर दिए और मान लो 7वें पेपर पे आपने ऑप्ट आउट किया, तो ग्रुप 2 का रिजल्ट नहीं लगने वाला है, ग्रुप 1 का प्रोसेस हो जाएगा। यस, और अभी आईसीए का रिसेंटली एक वेबिनार आया था, वहां पे उन्होंने ये डिस्कशन किया है बच्चों, ऑब्वियसली कि आपको जो नवंबर साइकिल है एंड जनवरी का जो भी साइकिल रहेगा, उसका आपको बेनिफिट कंबाइंड एग्जाम वाला नहीं मिलने वाला। मतलब क्या, अगर आप फिलहाल अभी एक ग्रुप में देते हो, एंड आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट राइट नाउ जो ग्रुप 2 की तैयारी नहीं है, एंड ग्रुप 2 के लिए बहुत लोग ऑप्ट आउट होने वाले हैं। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ पेपर नंबर 4 के बाद पेपर 5 जो भी रहेगा उसके दौरान, वो दिन पे बहुत लोग ऑप्ट आउट करने वाले, दिस इज माय गट फीलिंग एक्चुअली। तो बहुत सारे बच्चे अभी से उसका वैसे देख रहे हैं, एंड जो लोगों का बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुआ था या फिर वॉट एवर रीजन, या कोविड भी है इनफैक्ट, वो तो अभी से ऑप्ट आउट करना चालू कर दिया, राइट? तो सेट ऑफ का जो बच्चों बेनिफिट है, सेट ऑफ है ना, कि अगर मान लो आपने ग्रुप 1 में ज्यादा स्कोर किया है, ग्रुप 2 का कम है, और वाइस वर्सा, वो आपको ऑब्वियसली स्प्लिट एग्जाम्स देने के बाद नहीं मिलेगा। स्प्लिट मतलब क्या, मान लो आपने नवंबर में ग्रुप 1 दिया एंड जनवरी में आपने ग्रुप 2 दिया। अब दूसरा कॉमन सेंस की बात यह है कि आप ग्रुप 1 के लिए ऑप्ट आउट और ग्रुप 2 अटेम्प्ट, ये नहीं चलेगा। वंस इट इज ऑप्ट आउट, वो डायरेक्टली ऑप्ट आउट ही रहेगा, ये भी कॉमन सेंस है, ठीक है।
तो अगर मान लो आपने अभी ग्रुप वन दिया और जनवरी में ग्रुप टू दिया तो वो सेट ऑफ नहीं होने वाले, तो कॉमन सेंस की भी बात है, ठीक है, दैट इज वन अदर थिंग। देन रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ कि आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐसा, या फिर वेबिनार का जो आईसीआई का वेबिनार हो उसके हिसाब से कह रहे हैं कि नवंबर साइकिल का रिजल्ट एंड जनवरी साइकिल का रिजल्ट एक ही दिन पे लगेगा, मेरे हिसाब से वो प्रैक्टिकल नहीं है बच्चों, क्योंकि जनवरी मतलब कॉमन सेंस है फिर से क्या, जो एग्जाम जल्दी हो जाएंगे उसका रिजल्ट भी जल्दी लग जाना चाहिए। सी दोनों का एग्जाम साइकिल एक ही माना जाएगा, बट रिजल्ट एक साथ होगा कि नहीं, आई क्वाइट मतलब अभी इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो कोई भी हम लोग कमेंट नहीं, इट इज ऑल अबाउट स्पेकुलेशन। मेरे हिसाब से पर्सनली उनका रिजल्ट लग जाना चाहिए, क्योंकि दोज गाइस कैन स्टार्ट विद देयर आर्टिकलशिप एक्सेट्रा। अब मैं और एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, किसी का भी अटेम्प्ट का नुकसान नहीं हो रहा है, अटेम्प्ट का नुकसान मतलब अगर सी ए फाइनल का अटेम्प्ट का नुकसान नहीं होगा, इवन सी ए फाइनल में अभी ऑब्वियसली मैं इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपने फरवरी जनवरी में भी एग्जाम दिया तो भी आपका सी ए फाइनल का अटेम्प्ट आपका नुकसान नहीं होगा, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली क्लियर इन दिस अटेम्प्ट। बिकॉज ये सब क्या माना जाएगा बच्चों, ये नवंबर साइकिल का ही अटेम्प्ट माना जाएगा, इवन इफ आप जनवरी 2021 में देने वाले हो तो। राइट, आई होप आई एम क्लियरिंग ऑल ऑफ योर मेजॉरिटी ऑफ द डाउट्स, इसलिए मैंने ये काइंड ऑफ एफएक्यू सेशन रखा है। फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज कमेंट करो, ओके, ऑलरेडी वीडियो को लाइक करके शेयर करके ओके दबा के लाइक कर दो, ओके। एंड नाउ चलो लेट्स गो विद द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिंग आउट, कैसे करना है। दूसरी चीज, जो लोगों ने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरे थे बिल्कुल भी नवंबर के लिए, ऑप्टिंग आउट का आपका ऑप्शन ही नहीं है, जिन्होंने एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा था, ओके, जो भी। अगर दूसरी चीज, कुछ लोगों ने ग्रुप टू ही भरा था, कुछ लोगों ने ग्रुप वन का ही फॉर्म भरा था फॉर नवंबर, अगर आप ऑप्ट आउट मतलब जनवरी का सोच रहे हो फिर भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं चेंज होने वाला है, तो अगर आपने ओनली ग्रुप वन का फॉर्म भरा था जनवरी में भी, अगर मतलब अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो तो जनवरी में भी आप ग्रुप वन ही दे सकोगे, समझ रहे हो। अगर आपने ओनली ग्रुप टू का भरा था और अभी आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, जनवरी में फिर से आप ग्रुप टू ही कर पाओगे, नथिंग एल्स। सो देर इज नो चेंज ऑफ सिलेक्शन ऑफ एनी ग्रुप्स लाइक दैट, वैसे अभी वो चेंज नहीं होगा, एग्जाम फॉर्म में वो फाइनलाइज था, तो अगर आपको जो भी आपका पेंडिंग ग्रुप रहेगा वो देना, यू कैन गिव इट डायरेक्टली इन मे। अनदर थिंग स्पेकुलेशन, फिर से जनवरी के एग्जाम्स होंगे कि नहीं, मेरे हिसाब से 99.99% होने ही वाले हैं, बिकॉज इन दिस सिचुएशन कोविड तो चला नहीं गया अब तक, वैक्सीनेशन का भी इतना मतलब आया नहीं है ऐसा देखा जाए तो, फिर भी हार्डली 10-12 दिन बचे, 12 दिन बचे, 11 दिन बचे फॉर द एग्जामिनेशन, और यही लेवल पे मतलब आईसीएआर नेशनल लेवल पे एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही है, इवन इंटरनेशनली बाकी के जगह पे भी एग्जाम्स होती है आउटसाइड इंडिया भी सीए की, तो इन दैट केस जनवरी में होने का कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। इनफैक्ट जितने बच्चे अभी ऑप्ट आउट फिलहाल कर रहे हैं करंट एग्जाम्स पे उतना लोड आईसीए के ऊपर भी कम हो जाएगा, बट ऑब्वियसली मतलब जनवरी में भी रहने वाला है, और उसका रिपरकेशन या फिर इफेक्ट शायद मुझे फिर से दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन कि ये शायद जो मे का एग्जाम है शायद वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि देयर इज अनदर रीजन कि भाई 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड एग्जाम्स है बहुत सारे स्टेट भी डिक्लेयर कर रही है कि इंस्टेड ऑफ फरवरी मार्च शायद वो मे में होंगे, तो फाउंडेशन के साथ कुछ ना कुछ क्लैश होगा, तो फाउंडेशन भी थोड़ा सा पोस्टपोन होगा ऑफ मे 21, बट वो इंटर या फाइनल के ऊपर भी थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी में भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जनवरी फरवरी में एग्जाम्स हुए उनका रिजल्ट कब लगेगा क्वाइट डाउटफुल। कुछ बच्चों ने यहाँ पे रूमर फैला दिया 15-20 दिन में रिजल्ट लगने वाला है, वो डोंट प्लीज डोंट गो इन दैट डायरेक्शन, वो दैट इज जस्ट क्लिक बेट, 15-20 दिन में रिजल्ट लगना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो जनवरी फरवरी में मिड ऑफ फरवरी में भी अगर एग्जाम्स खत्म होते हैं उसका रिजल्ट लगते लगते कम से कम एक महीना लगने वाला है, मिड ऑफ मार्च मान लो मार्च एंड एंड देन फिर से एग्जाम का पोर्टल खुलेगा एग्जाम फॉर्म भरने के लिए इन एग्जाम्स, तो लिटिल बिट इट विल ऑब्वियसली इंपैक्ट मेड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है, दैट इज हाउ इट। चलो देन लेट अस क्विकली चेक द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिंग आउट कैसे करना है। राइट, आपको ऑब्वियसली पता बच्चों जो भी दिया है आपको ICAT exam.ICAT.org पे करना है, दैट यू कंप्लीटली नो दैट बच्चों। तो यहाँ पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, विच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय अर्लियर वीडियो, ओके। ऑप्ट आउट फैसिलिटी चालू तुम्हारा कब हुआ है बच्चों, 7th नवंबर, इट विल गो अंटिल 14th December। अगेन 14 दिसंबर क्यों दिया, बिकॉज दैट इज द लास्ट डे ऑफ योर फाउंडेशन का पेपर के लिए, बट आप जो लेवल पे हो फाइनल इंटर फाउंडेशन वो हिसाब से आपको ऑप्ट आउट करना, विच आई हैड एक्सप्लेन जस्ट नाउ, ओके, वीडियो की शुरुआत में। तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना बच्चों, आई हैड ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, अगर पास लॉग इन आईडी पासवर्ड नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड कर लेना, ठीक है, ये न्यू यूजर्स की बात ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट दिस प्रोसेस। ऑलराइट, ओके, तो एज इट इज आपका पोर्टल है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको आपका खुद के डिटेल्स फोन नंबर ईमेल आईडी वो सब दिखेगा। राइट हैंड साइड पे क्या दिखेगा बच्चों, आपको आपको आपका खुद का एडमिट कार्ड दिखेगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया था क्या कैसे करना है। नाउ यू विल सी बच्चों ऑप्ट आउट ऑफ नवंबर 2020 एग्जाम, ये ऑलरेडी स्टूडेंट का है इसलिए यहाँ पे एडिट दिख रहा है, बट यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऑलराइट, लेट्स क्लिक ओवर देयर, चेक करो क्या क्या कंडीशंस है, लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू क्या क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों। दिस विंडो इज मेंट ओनली फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका बाकी जो भी बेनिफिट्स हो तो अगले एग्जाम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। किस किसी के लिए हमें ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ, करंटली कोविड या फिर उनके सिम्टम्स है बच्चों, और हैविंग सिम्टम्स मतलब
एंड ऑफ द एग्जामिनेशन तक, ठीक है, हुज फैमिली मेंबर्स विद हुम द स्टूडेंट आर स्टेइंग आर कोविड पॉजिटिव और बिकम कोविड पॉजिटिव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंक्लूजन ऑफ एग्जाम, एग्जाम होने तक। इफ द एरिया इन विच स्टूडेंट्स रेसिडेंट, वो तुम्हारा रेसिडेंशियल एरिया तुम्हारा कोविड के अंदर आ चुका है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग इसका नोटिफिकेशन पढ़ चुके थे बच्चों, पे अटेंशन। फॉलोइंग डिटेल्स सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा एग्जाम का बार कोड नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारे पास बच्चों दो ऑप्शन है, एक तो जनवरी साइकिल में जाओ, वो आप उसको मतलब पोस्टपोन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली मे 21 का अटेम्प्ट दो, समझ रहे हो, करेक्ट है। मे 21 का अगर आपको अटेम्प्ट सेलेक्ट करना, तो आपको फिलहाल जो एग्जाम फीस पे की गई है आपको नवंबर के लिए, वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। अगर आपको बस, अगर मान लो मैंने आपको अभी जस्ट एग्जाम्पल बताया, इफ अगर आपने अभी का एग्जाम फॉर्म बस ग्रुप वन का भरा था, तो अगर आप मे 21 के लिए पोस्टपोन करते हो, ऑप्ट आउट करते हो, तो बाद में आपको फिर से एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, बट ओनली फॉर नाउ डिफरेंशियल फीस क्या रहेगा ग्रुप टू के लिए, समझ रहे हो, राइट। सो आपके पास ऑप्शन है जनवरी 21 या फिर मे 21 के लिए, प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड स्पेसिफिक। अभी भी आपको कुछ डाउट है प्लीज कमेंट करो यार बच्चों, ठीक है। देन कैंडिडेट्स नाउ ऑप्टिंग एंड विल बी अपीयरिंग इन जनवरी विल नॉट हैव टू फिल अप फिर से एग्जाम फॉर्म, उसकी जरूरत नहीं है। बट अगर मे में देने वाले बच्चों, तो आपको फिर से बाद में एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, एंड डिफरेंशियल फीस अगर कुछ रहा उतना ही पे करना पड़ेगा, ओके। ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी एक्सेप्टेड, बार बार चेंजेस नहीं होंगे, और जो आपने दे दिया दैट विल बी फाइनल, ओके। द रिक्वेस्ट वुड बी मेड बाय द स्टूडेंट एंड स्टूडेंट ओनली, बच्चों याद रखना ये लास्ट वाला फिफ्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज पे अटेंशन। इन केस यू डिसाइड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द नवंबर इंस्टेड ऑफ, ओके, इंस्टेड ऑफ एंड यू विल गिव इन जनवरी फरवरी या फिर मे, द अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड हियर, हियर पे क्लिक करो, ओके। सो ICAExam.ICA.org/announcements/opt-out_declaration.pdf, उनको ये लिंक मिल जाएगा बच्चों, वहाँ पे भी मिल जाएगा, पे अटेंशन। सेल्फ अटेस्टेड, बच्चों को खुद को एग्जामिनी कैंडिडेट को तुमको करना है साइन, एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिंग आउट फ्रॉम नवंबर, और कहाँ पे जाओगे, जनवरी में या फिर मे में, आए आपका नाम, ओके, सन डॉटर ऑफ पेरेंट का नाम, बॉर्न ऑन, आपका रेशन नंबर, रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है, विश टू कंफर्म एंड अंडरटेक एज अंडर, कि भाई मेरा एग्जाम था नवंबर वाला बराबर है, करेक्ट है, और मैंने ये टाइम के दौरान मैंने इसको अप्लाई किया है, किसको, मैंने एग्जाम फॉर्म भरा था बच्चों, बराबर है। देन एंड माई फ्री विल, कोई जबरदस्ती नहीं है, फ्री कंसेंट है, एंड आई एम ऑप्टिंग आउट फ्रॉम नवंबर टू, यहाँ पे प्लीज बी वेरी वेरी, भाई दो मिनट शांति से ले लो, बट आप जनवरी में जा रहे हो, मे में जा रहे हो, प्लीज पहले कंफर्म कर लो, ठीक है। तो दिस और दिस दोनों पे सर्कल मत कर लेना, ठीक है। एंड देन ड्यू टू व्हाट रीजंस यू कैन सेलेक्ट व्हाट एवर इज योर रीजन, जेन्युइन रीजंस है, कैसा भी है, राइट, करेक्ट है। आई अंडरस्टैंड दैट माय मेकिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन आई एम विदड्रॉइंग माय नवंबर 20 का अटेम्प्ट एंड आई एम गोइंग इन जनवरी या फिर मे, जो भी रहेगा, करेक्ट है। रिमेनिंग एंड विल नॉट अपियर इन नवंबर एग्जामिनेशन रिमेनिंग पेपर्स ऑफ द नवंबर, आपने जैसे ऑप्ट आउट का किया, ऑप्ट आउट के दिन के दौरान या फिर उसके बाद जितने भी पेपर्स रहेंगे, ऑब्वियसली विल नॉट अटेम्प्ट दोस, ठीक है। आई मीन दिस इज योर अंडरटेकिंग, है ना। आई रिक्वेस्ट दैट अनएक्सपायर्ड एग्जेम्पशन इफ एनी, मतलब अगर आपको नवंबर को जो एप्लीकेबल था, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू इधर जनवरी या फिर मे साइकिल के लिए, ठीक है। आई हियर बाय अग्री दैट आई इन केस आई डू नॉट अपियर इन जनवरी और फेब्रुवरी आई शैल नॉट क्लेम एनी बेनिफिट्स लाइक कैरी फॉरवर्ड इन द नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए, ऑब्वियसली ना, अगर आप नवंबर से जनवरी या फिर नवंबर से मे में जा रहे हो, ओके, और आपने वो भी नहीं दिया एग्जाम, तो फिर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा। मतलब अगर आपने नवंबर से जनवरी में ऑप्ट आउट किया और जनवरी में अटेम्प्ट नहीं किया, तो जनवरी का अटेम्प्ट आपका एब्सेंट मार्क होगा। अगर आपने नवंबर से मे में कैरी फॉरवर्ड किया और मे में आपने अटेम्प्ट नहीं दिया, ऑब्वियसली एब्सेंट मार्क होगा, आपका नुकसान हो जाएगा ऑफ दैट एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, आपको साइन करना है। अगर आप माइनर हो तो आपको यहाँ पे साइन करना बच्चों, है ना, आपके पेरेंट्स को, सॉरी, यहाँ पे साइन करना है, डेट एंड प्लेस, दैट इज वॉट यू हैव टू डू, प्रिंट इट एंड फिल दिस फॉर्म, स्कैन करके उसको अपलोड करना है। बट अगर आप प्रिंट नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी उन्होंने अच्छा सर्विस दिया बच्चों, सुनो मेरी बात, देन अपलोड द स्कैंड इमेज ऑफ दिस अंडरटेकिंग आफ्टर फिलिंग ऑब्वियसली द ब्लैंक एरियाज एंड ड्यूली साइन बाय द कैंडिडेट, इट इज मैंडेटरी। अगर सुनो, इफ यू कैन नॉट टेक अ प्रिंट आउट, ये अच्छी चीज की है, बहुत सारे लोगों को प्रिंट आउट का इशू होता है, स्पेशली रूरल एरियाज में, ओके, तो अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हो बच्चों, सुनो मेरी बात, यू कैन राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स इन योर ओन हैंड राइटिंग, सेल्फ अटेस्ट करो, स्कैन करो एंड देन अपलोड करो। मतलब ये जो आपका है बच्चों, अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हो, वैसे के वैसा बच्चों, वैसे के वैसा एग्जैक्टली आप एक पेपर पे लिख के निकालो, और देन यहाँ पे आपके जो भी फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज है, सेम टू सेम फॉर्मेट चाहिए, ठीक है, फिर आप खुद लिखो बच्चों, भाई ये तो अगर आप प्रिंट आउट नहीं कर पा रहे हो, एवरीथिंग शुड बी हैंड रिटन एग्जैक्ट, एक भी आपको वर्ड सेंटेंस बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों, एंड देन उसको फिर लिख के प्रॉपरली स्कैन करके, फिर स्कैन करके अपलोड करना है। यस, गॉट इट बच्चों, तो दैट इज द प्रोसेस ओवर हियर, लेट्स गो एंड लेट्स डू इट। सो आई हैव रेड, अपॉन सबमिशन ऑफ द रिक्वेस्ट कैंडिडेट विल गेट अ सक्सेसफुल सबमिशन कंफर्मेशन ऑन द स्क्रीन, राइट। चलो, तो यहाँ पे आपको बच्चों दिख जाएगा आपके खुद का
ये डिटेल्स, एग्जाम की डिटेल्स ऑफ द करंट नवंबर या फिर दिसंबर, आपको जो भी एग्जाम था आपका बार कोड, फिर कंट्रोल नंबर ऑफ द एग्जाम आपके एडमिट कार्ड पे आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम, और आप कब ऑप्ट आउट करना चाहते हो, जनवरी के लिए या फिर मई के लिए। सो दिस करंट स्टूडेंट इज ऑप्टिंग आउट टू जनवरी, तो यू बी केयरफुल क्या रीजंस है। ऑब्वियसली कॉमन सेंस है बच्चों, आपका जो डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग है दिस, और आपका यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, इट शुड कंप्लीटली मैच अप, सो बी केयरफुल। ओके, तो फॉर दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट मान लो ऑप्शन ए सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, उसको क्लिक करो बच्चों, एंड देन चेक करना, अपलोड स्कैंड इमेज ऑफ हैंड रिटन एंड साइंड एप्लीकेशन, ब्राउज करो, तुम्हारा इमेज यहाँ पे लिखा है तो उसको हम लोग जेपीजी में देखेंगे, बट साइज शुड नॉट बी मोर देन 200 के, राइट। तो आपको ये देखना है, ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन फील्ड जेपीजी, ऑलराइट, राइट। तो फिर से प्लीज चेक कर लेना जनवरी, अगर आप ऑप्ट आउट करो 2 जनवरी, राइट, लेट्स गो अहेड। Are you sure you want to submit a form? Yes. You have successfully opted out of November 20 exams instead of, और यहाँ पे क्लियर कट आ जाएगा, आपने अगर मई सेलेक्ट किया तो मई में, और जनवरी सेलेक्ट किया तो जनवरी में आ जाएगा। एंड योर रीजन फॉर ऑप्टिंग आउट इज व्हाट, आपको कोविड है, जो भी आपने सेलेक्ट किया ए बी और सी, दैट्स इट, गो टू योर डैशबोर्ड, और कुछ फिर आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये आपको सामने एज इट इज कंफर्मेशन स्क्रीन आ गया था, दैट्स इट, दैट इज द प्रोसेस बच्चों, राइट। इसके अलावा भी अगर आप कुछ डाउट्स है, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, प्लीज कमेंट करो, ठीक है, आई विल ऑब्वियसली बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस, राइट। उसके अलावा बच्चों, अगर आप मान लो अभी जनवरी में जा ही रहे हो, अगर आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, तो मेरे से बहुत सारे टीचर्स आपको इंटरमीडिएट, फाइनल या फिर फाउंडेशन में पढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज ऑन अनअकैडमी बच्चों, इट्स अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म टू लर्न, सो यू कैन गो ऑन अनअकैडमी.com, आप सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पर क्लिक कर सकते हो, आपको यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स दिखेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे, बहुत सारे लाइव क्विजेज होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं बच्चों, राइट। और उसका जो कोर्स है, और पर्टिकुलर अगर मान लो आप जनवरी में दे रहे हो, तो उसके लिए भी कोर्स नया नया आएंगे, कि 1 month कोर्स, 2 months कोर्स भी आने वाला है अनअकैडमी पे, तो कैन गो ऑन अनअकैडमी.com, नीरज महाजन को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, तो पहले उसको फॉलो कर लो बच्चों, ताकि जब जब मैं लाइव आऊँ, मैं इंटर में लॉ पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, तो जब जब मैं वहाँ पे लाइव आऊँ बच्चों, तुमको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे मेरे कुछ फ्री लेक्चर्स है, कुछ नहीं, बहुत सारे, इनफैक्ट बहुत सारे फ्री लेक्चर्स है, विच आर नोन एज स्पेशल क्लासेस, तो पहले मुझको फॉलो कर लेना वहाँ पे, फॉलो कर लेना, एंड गो एंड वॉच ऑल ऑफ माई, यहाँ पे फॉलो कर लेना, तुमको एज इट इज मेरा फीडबैक वगैरह यहाँ पे सब तुमको दिख जाएगा, डेडिकेशन वगैरह तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक माई फीडबैक ऑल्सो ओवर देयर, आपको खुद कुछ वीडियोज देखने मेरे देख लो, एंड देन गिव द फीडबैक ओवर देयर, राइट। फॉलो करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल सी स्पेशल क्लासेस, एंड स्पेशल क्लासेस नथिंग बट फ्री क्लासेस, ओके। तो मैंने वो लाइव पढ़ाया है, तो आप उसके आज के आगे भी अगर आपको लाइव देखना, यू कैन ऑब्वियसली कम एंड चेक माई लाइव वीडियोज, इसलिए फॉलो करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, करेक्ट। तो लर्निंग ऐप उसका डाउनलोड कर लो अनअकैडमी का, एंड्रॉइड या फिर आईओएस पे, एंड देन यू कैन चेक, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे सेशन हमने यहाँ पे लिए हैं, सी ऑल करो, और ये पुराने लेक्चर्स देख लेना बच्चों। और अगर आपको डेडिकेटेड बैच चाहिए, मान लो वो जनवरी 21 अटेम्प्ट, या फिर मई 21 अटेम्प्ट, या फिर नवंबर 21 अटेम्प्ट, अगर आपका फाउंडेशन भी है, इंटर भी है, फाइनल भी, जो भी है बच्चों, आपको बहुत बेस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 1 month का है 3500 फीस, ओके। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बैच रहेगा, इट्स अ प्रॉपर बैच ऑफ अ टीम, ओके। एंड देन 3 months का 8750, 6 months का 14000, अगर मान लो आप मई 21 में दे रहे हो, तो 6 months विल बी 14000, और द बेस्ट है बच्चों 24 months, एक्चुअली 2 साल के लिए 21000, बट इसमें एक फीस के अंदर आपको दोनों का आपको एक्सेस मिलेगा, फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट, दैट इज अ वेरी गुड थिंग ऑफ अनअकैडमी, ओके। तो एक ही बार फीस पे करना है आपको, मान लो आपको एक्सेस, आप वीडियोज, टीचर्स किसके देख सकते हैं, फाउंडेशन एज वेल एज इंटरमीडिएट, तो इज अ वेरी वेरी गुड प्लान एक्चुअली, ओके। तो उसके भी ऊपर अगर आप जाते हो बच्चों, यू कैन गेट अ डिस्काउंट इफ यू यूज माई नेम, ओके। मेरा नाम ही वहाँ पे कोड है, NIRAJMAHJAN, राइट। उसको अप्लाई करो बच्चों, उसको अप्लाई करो, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन प्रोसीड टू प्ले पे। एक बार अप्लाई कर लिया, चेक करो, सभी प्राइसेस तुम्हारे डाउन हो जाएंगे, 21000 का बन जाएगा 18900, जो 14000 बिकम्स 12600। तो आपको सपोर्ट रहेगा, बहुत सारे टीचर्स हैं इंडिया के, बहुत लीडिंग टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ओके। तो उनको अगर आपको प्रॉपर उनकी बैच एक्सेस करनी है, आपको उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ डाउट रहेगा बच्चों, प्लीज आई विल बी वेरी हैप्पी। आई होप तुमने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया है, इसको तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को आई होप यू ऑलरेडी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, राइट। और कुछ भी डाउट रहेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। टेक केयर गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।